आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपना सब्सक्राइबर जो दिखाता है कितना सब्सक्राइबर है आपके यूट्यूब चैनल को, अपना सब्सक्राइबर हाइड कैसे कर सकते हैं, कैसे छुपा सकते हैं, सब्सक्राइबर काउंट को हाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर के आप वीडियो देखते होंगे, उनके सब्सक्राइबर नहीं दिखाता है कि इनके कितने सब्सक्राइबर है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन दिखाता है वहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं दिखाता है साइड में कितने सब्सक्राइबर इसके हैं। तो आप भी वो सेटिंग को हाइड कर सकते हैं, अपना सब्सक्राइबर छुपा सकते हैं। उसे छुपाने के क्या फ़ायदे हैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर ऑन करके रखते हैं तो कोई भी व्यूअर्स देखता है सोचता है अरे भाई इसका तो नया चैनल है, इसका तो सब्सक्राइबर बहुत कम है, पता नहीं वीडियो इसका अच्छी है या नहीं है, तो आपका वीडियो बहुत कम देखते हैं, जिससे कि उतना इंटरेस्ट नहीं है। जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं उनके वीडियोस पे व्यू भी आता है ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा सजेस्ट करते हैं सब व्यूअर कि इसका सब्सक्राइबर इतना है, इसका वीडियो बहुत चल रहा है, इसका वीडियो देखते हैं। तो ऐसा होता है कि अपना नया चैनल को सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा जाता है, जैसे कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जैसे ज़्यादा हो जाएंगे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, तो आप अपना सब्सक्राइबर अनहाइड कर सकते हैं, उसे शो करा सकते हैं। नहीं तो आपका और जो हमारा सजेस्ट है और जो अपना नया चैनल है तो अपना सब्सक्राइबर हाइड करके ही रखें कि दूसरा कोई आपको सब्सक्राइबर देख ना सके कितने सब्सक्राइबर हैं। तो इसी के टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसको हाइड कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के गूगल क्रोम सेटिंग में चले जाना है। गूगल क्रोम सेटिंग में आने के बाद इसमें सर्च आपको करना है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। जैसे इसको सर्च करेंगे तो आपको देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है यूट्यूब स्टूडियो, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन करेंगे तो आपको यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर ओपन होने लगेगा। ये देखिए हमारा यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो गया, यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह दिखा रहा है आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, स्विच टू अकाउंट करके लॉगिन कर लेना है, या पहले से कोई अकाउंट लॉगिन किया तो उसे साइन आउट करके अपना जो भी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हैं अपना वो यूट्यूब वो ईमेल आईडी लॉगिन करके आप अपना इस पेज पर पहुँच सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है, सेटिंग के ऑप्शन नीचे दिया है कॉर्नर में, सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे सेटिंग्स खुलेंगी, इसमें आपको चैनल पर चले जाना है। जैसे चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने सेटिंग्स दिखा रही हैं, एडवांस फ्यूचर एलिजिबिलिटी, तो आपको एडवांस सेटिंग पर चले जाना है। एडवांस सेटिंग पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है सब्सक्राइबर काउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है सब्सक्राइबर काउंट, ये आपका पहले से टिक होगा और जब हाइड नहीं किए होंगे तो आपका पहले से ये टिक होगा, इसको अनटिक कर दीजिएगा। अनटिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे मान लीजिए इसको टिक रखेंगे तो इसमें आपका जो भी सब्सक्राइबर है वो दिखाएंगे, कोई भी देख सकता है आपको सब्सक्राइबर कितने हैं, और इसको अनटिक रखेंगे ऐसे ही खाली रखेंगे तो आपको सब्सक्राइबर नहीं शो होंगे। तो यही है सब्सक्राइबर छिपाने और नहीं छिपाने का ये तरीका, इसे कैसे छिपा सकते हैं, उसे हाइड कैसे कर सकते हैं, अनहाइड कैसे कर सकते हैं, यही किया जाता है। तो यहाँ पर टिक कर देंगे तो आपका सब्सक्राइबर दिखने लगेगा, अनटिक कर देंगे तो नहीं दिखेगा, इसको अनटिक करके यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे मैं पहले अपना हाइड किया था इसलिए सेव नहीं दिखा रहा है, इसमें इस टिक करेंगे तो सेव बटन इनेबल हो जाएगा, इसे मैंने अनसेव करके आपको सेव कर दिया। आपको पहले से टिक होगा तो उसको अनटिक करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है, और फिर अपना यूट्यूब चैनल खोलकर देखना है। जैसे कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर आपका सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा, आपको सब्सक्राइबर नहीं दिखेगा। सब्सक्राइबर देखना हो तो आप वाई टी स्टूडियो में जो यूट्यूब का ऐप वहाँ पर जाकर अपना सब्सक्राइबर चेक कर सकते हैं, हमारा सब्सक्राइबर कितना है आप देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे सिलेक्ट कर देना कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।